हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ कक्षा 12 के अपने अगले टॉपिक के साथ। हम लोग पिछले वीडियोस में हम लोग आंकिक प्रश्न सॉल्व कर रहे थे और आज के वीडियो में भी हम आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। आज आखिरी 3 एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। और यदि इनके अतिरिक्त आप लोगों को कोई दिक्कत होती है, कुछ अन्य कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उस पर भी वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे। तो आइए चलते हैं अपने आंकिक प्रश्नों की ओर। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर अपना क्वेश्चन देख सकते हैं कि दर्शाए गए परिपथ में ए बी, ए व बी के मध्य में क्या ज्ञात करना है? विभवांतर ज्ञात करना है। तो इसके पहले आप सबसे पहले तो क्या समझिए, इसका चित्र समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो ये जो आपका 2 ओम का प्रतिरोध है और ये जो 2 ओम का प्रतिरोध है, ये दोनों एक ही तार के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो एक ही तार से जुड़े होने के कारण ये और ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। और इसी प्रकार ये जो आपका 8 ओम है और ये 8 ओम है, ये दोनों भी आपके किस क्रम में जुड़े हुए हैं? ये आपके समांतर क्रम में जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु रखा हुआ है, ये बिंदु आप ध्यान दीजिए, और इस बिंदु से एक ये इधर इधर, तो इनके एक सिरे जो प्रथम सिरे हैं वो एक ही बिंदु से संबंधित हैं, इसलिए ये दोनों आपके क्या होंगे? समांतर क्रम में होंगे। अब चूंकि ये जो आपके पहले दो ओम के जो आपके प्रतिरोध हैं ये आपके श्रेणी क्रम में हैं, और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोग आपको मालूम है कि R बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2। तो इन दोनों के बराबर का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो R1 अगर हम ले लें तो R1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 इसका 2 इसका 2 और 2 मिलकर टोटल हो जाएगा 4 ओम। तो ये R1 का मान हमें कितना मिल गया? 4 ओम मिल गया। अब देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, ये जब R1 के ही 4 ओम मिल गया तो इन 2 की जगह पर हम क्या कर सकते हैं? 4 ओम का एक प्रतिरोध लगा सकते हैं। तो आप इस फिगर से ये फिगर पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे इन 2 ओम के प्रतिरोधों को हटा के इनके स्थान पर 4 ओम का एक प्रतिरोध क्या किया गया है? संयोजित कर दिया गया है। अब इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, ये 8 ओम और ये 8 ओम के जो 2 प्रतिरोध हैं ये दोनों किस क्रम में हैं? समांतर क्रम में। क्यों? देखिए समांतर क्रम में इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉइंट से इनके इसका सिरा दोनों के सिरे एक ही बिंदु से जुड़े हैं, और आपको मालूम है जब किसी भी प्रतिरोध के एक तरफ के सिरे एक बिंदु से दूसरे तरफ के सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं तो समांतर क्रम में होते हैं। तो इनका जो आपका तुल्य प्रतिरोध होता है वो कितना हो जाएगा? 1/R बराबर हो जाता है 1/R1 और प्लस का क्या हो जाएगा? 1/R2। अब R1 और R2 के मान कितने हैं? 8 ओम हैं, तो ये 1/ क्या हो जाएगा? 8, और प्लस करके ये भी क्या हो जाएगा? 1/8। तो ये आप अगर आप इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये इधर गुणे में जाएगा, ये इधर, और बटे में इन दोनों का गुणा, तो ये 8/28 कितना हो जाएगा? 64, और 8/8 16। तो ऊपर आ जाएगा 16 और नीचे आ जाएगा 64, इनको काटेंगे तो 16 एकम 16 और 16 चौको 64, 1/4 आएगा 1/R का मान। तो इनको पलट देंगे तो R बराबर कितना आ जाएगा? 4 ओम। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे R2 बराबर इन्होंने डायरेक्ट निकाल दिया है, R2 बराबर कितना हो जाएगा? 4 ओम। अब जैसे कि हमने 2 ओम के 2 प्रतिरोधों की जगह 4 ओम का एक प्रतिरोध लगा दिया था, वैसे इन 8 ओम के प्रतिरोधों के स्थान पर भी एक 4 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं। तो और तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो बीच वाली डंडी है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बाकी ये 2 से 1 हो गए और ये वाला पार्ट भी आपका क्या हो गया? 2 से 1 हो गया। तो ये बीच वाली डंडी प्लस 4 ओम इधर और 4 ओम इधर, तो आप इसका जो बदला हुआ स्वरूप है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से। इधर 4 ओम लगा है, इधर 4 ओम लगा है, बीच में ये वाली डंडी 4 ओम की जुड़ी हुई है, और 2 वोल्ट के ये दोनों आपके क्या लगे हुए हैं? शेल लगी हुई हैं। और तो अब इस प्रकार से ये चित्र क्या हो गया? यहाँ पे फाइनली इधर वाले चित्र में कन्वर्ट हो गया। तो जब क्वेश्चन हमें लगाना है वो हम इस प्रश्न की सहायता से, इस चित्र की सहायता से लगाएंगे। अब इधर ध्यान दीजिए आप ज़रा, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें इस चित्र में,
तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि हम ये मान लें कि जो 2 वोल्ट का ये पहला वाला सेल है, ये कितना, ये सेल ये कितनी धारा दे रहा है, धारा I1 दे रहा है, और दूसरी वाला जो है ये कितनी धारा दे रहा है, I2 धारा दे रहा है। तो ये I1 धारा आपकी इस तरफ से इस तरफ जाएगी और I2 धारा इस तरफ से बहते हुए इस तरफ आएगी। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें कि बंद पास का नियम लगाएं, किरचाफ के बंद पास का नियम लगाएं, तो पहले पास के लिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, इस वाले पास में ये I1 जाएगी किस में, 4 ओम में। पहले 4 ओम से जाने के बाद ये जब ये यहाँ पे B पे पहुँचेगी तो B पे यहाँ पे I1 भी प्रवेश करेगी, B पे यहाँ पे ये जो इधर से I2 आ रही है, ध्यान दीजिए ये I2 भी आएगी। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये ध्यान दीजिएगा, इस वाले पोर्शन में जो कुल धारा होगी ये इधर वाली I1 हो जाएगी और इधर वाली क्या हो जाएगी, I2। तो ये नीचे वाली धारा हो जाएगी I1 प्लस I2। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे 2 ओम से धारा निकल रही है I1 और यहाँ से धारा कितनी निकल रही है I2। इधर ये प्रवेश करेगी धारा I1 और इधर प्रवेश करेगी धारा I2। तो ये B पर जब चुकी दोनों मिलेंगी, तो मिलके जब ये नीचे की ओर आएंगी तो यहाँ पे टोटल धारा कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2। तो आपको ध्यान देना, 4 ओम में I1 जाएगी और ये जो बीच वाला 4 ओम है इसमें I1 प्लस I2 जाएगी और अंतिम वाले 4 ओम में भी कितनी जाएगी, I2 जाएगी। तो अब आइए इसमें हम लोग किरचाफ के बंद पास के नियम का उपयोग करते हैं। अब देखिए, जब हम लोग इस प्रथम वाले भाग में किरचाफ का नियम लगाएंगे तो I1 किस में से जाएगी, 4 ओम से गुजरेगी तो हो जाएगा 4I1 और इसके बाद जब घूम के ये इस जगह पर ये प्रवेश करेगी तो I1 प्लस I2 4 ओम में प्रवेश करे तो 4 × क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 और इसका जो EMF होगा वो कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट। तो ये हमारा पहला जो हमें समीकरण मिलेगा वो हो जाएगा 4I प्लस 4I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, अब देखिए 4I1 ये इससे हो जाएगा, 4I1 इससे, तो टोटल I1 कितना हो जाएगा 8 और I2 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हमें जो इसे सॉल्व करने पर मिलेगा वो हो जाएगा 8I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू, और ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब इसी प्रकार ये जो दूसरा वाला बंद पास है, ये आप देख सकते हैं इधर वाला, इस बंद पास में जब हम क्या करेंगे, इसका नियम लगाएंगे तो I2 धारा 4 ओम से जा रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस वाले भुजा में जो लास्ट में भुजा है इसमें आपकी जो धारा जाएगी वो कितनी जाएगी, I2। तो ये हो जाएगा 4I2 और ये फिर से जब इधर से आके हम क्या करेंगे, इसमें प्रवेश करेंगे इस वाले में, तो यहाँ पे फिर धारा कितनी है, I1 प्लस I2, तो हो जाएगा 4I1 प्लस I2 और बराबर यहाँ पे भी ये EMF कितना होगा, 2 ओम का। तो ये हो जाएगा 4I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, अब 4I2 का जब अंदर गुणा करेंगे तो 4I1 आएगा, 4I2 और 4I2 यहाँ पे पहले से है तो ये 4I2 मिलके हो जाएगा 8I2 और प्लस कितना हो जाएगा, 4I1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2। अब हमें क्या करना है, आप सभी को मालूम है कि ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है, इन दोनों समीकरणों को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर आपको मिलेगा कितना, 4I1 बराबर 4I2, मतलब इससे हमें I1 बराबर I2 मिल जाएगा और इसी समीकरण में यदि I1 इज इक्वल I2 आप रखते हैं तो 8I2 प्लस 4I2, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 8, इनकी जगह पे हम मान लीजिए I रख लें सीधा सीधा, तो 8I प्लस कितना हो जाएगा, 4I और बराबर कितना हो जाएगा, 2, तो 8 × 4 कितना हो जाएगा, 12I और बराबर कितना हो जाएगा, 2, तो I बराबर कितना हो जाएगा, 2/12, काटने पर हमें आंसर कितना मिलेगा, 1/6। तो ये आपका I1 और I2 दोनों के मान कितने कितने आ जाएंगे, 1/6 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं I1 बराबर I2 इसका मान हो गया 1/6। अब देखिए ये A और B बिंदुओं के बीच विभवांतर पूछा था, मतलब VB माइनस VA का मान पूछा है, तो V बराबर क्या होता, I × R
तो आई क्या का मतलब क्या हो जाएगा, इस 4 ओम में चूंकि पूछा है तो इसमें I1 + I2 धारा प्रवाहित हो रही है, और प्रतिरोध कितना है 4, तो ये प्रतिरोध हो जाएगा 4 ओम और धारा हो जाएगी I1 + I2। तो V बराबर I × R का जब हम ये I1 और I2 की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 4/3 वोल्ट मिल जाएगा। तो आइए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब ये अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि संलग्न चित्र में 15 वोल्ट विद्युत वाहक बल और 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी से ली जाने वाली धारा का परिकलन कीजिए, और 6 ओम प्रतिरोध में कितना शक्ति क्षय होगा ये आपको क्या करना है बताना है। तो यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले धारा का मान निकालना है। तो धारा का मान निकालने के लिए देखिए चित्र में ही यहाँ पर आपका बना हुआ है कि यहाँ पे कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ से ये धारा I जो है जा रही है, I जब इस संधि पर पहुँचेगी, इस वाली संधि पर ध्यान दीजिए, तो इस संधि पर ये 2 भागों में विभाजित होगी। तो नीचे वाले भाग में यदि हम मान लें कि कितनी धारा जा रही है, I1 धारा जा रही है, तो जाहिर सी बात है जो 7 ओम वाला प्रतिरोध है इस तरफ कितनी धारा जाएगी, कुल धारा आई थी, आई में आई वन इधर चली गई, तो इधर जाने वाली धारा का मान हो जाएगा I - I1। तो इस प्रकार से ये जो, और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके जो ये प्रतिरोध जुड़े हुए हैं अगर आप ध्यान दें तो ये 2 ओम, ये 8 ओम और 0.5 ओम, ये तीनों काहे में हैं, श्रेणी क्रम में हैं। तो अगर इन तीनों को हम जोड़ लें तो 8 × 2 = 10 और 10.5 ये आपका हो जाएगा पहले पास के लिए, और दूसरे में जोड़ लें तो दूसरे में 7 ओम जो आपका दे रखा है, 7 ओम के साथ ही 1 ओम और 10 ओम, ये तीनों भी, ये वाला, ये और ये भी किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो आप इनको जोड़ के एक बना सकते हो, या जब आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चन तो इन तीनों को एक साथ जोड़ के उसमें धारा आई प्रवाहित कर सकते हैं। तो इसका जो चित्र है, जो I1 I2 मान के हमने किया, वो चित्र आप ये नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर धारा कितनी है, यहाँ से I धारा प्रवाहित होगी और इसमें धारा क्या जाएगी, 6 ओम वाले में I1 जाएगी, और इधर जो धारा का मान है वो कितना है, I - I1। तो अगर ये इसे हम पहला मान लें और इसे कितना मान लें, दूसरा बंद पास, तो बंद पास का नियम लगाने पर ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा। बंद पास के नियम से आप ज़रा ध्यान दीजिए कि ये I1 - I2 जो धारा, I - I1 धारा, वो 7 ओम में भी जा रही है, 1 ओम में भी जा रही है और ये 10 ओम में भी जा रही है, ये तीनों श्रेणी क्रम में है, तो इनका कुल मान कितना हो जाएगा, आप ज़रा ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 7 × 1 = 8 और 10 × 8 कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पे आप ये पहला इक्वेशन देख सकते हैं, पहला इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, I - I1 गुणे ये 7 + 1 = 8 और 10, ये तीनों एक साथ जोड़ दिए गए हैं। और इसके बाद जो I1 धारा यहाँ से जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ ये 6 ओम वाले में जा रही है, और इनकी डायरेक्शन चूंकि उल्टी है तो इसलिए माइनस का I1 × क्या कर देंगे, 6। और चूंकि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी आपका जो है बैटरी नहीं जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पे EMF क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हमें हमारा पहला जो है इक्वेशन मिल जाएगा कितना, 7 × 1 = 8 + 10 = 8 = 18, 18 I - I1 और ये माइनस का क्या हो जाएगा, 6 I1, तो 18 × 6 = 24 I1 हो जाएगा, तो 18 I - 24 I1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये हमारा प्रथम समीकरण। और ये जो बंद पास 2 है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए I1 और I2 धारा, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो I1 धारा जा रही है किसमें, बंद पास 1 के लिए I1 जा रही है 6 ओम में, तो ये आपका हो जाएगा I1 × 6 हो जाएगा। I किस में से जा रही है, 2 ओम से, 8 ओम से और 0.5 से, और ये श्रेणी क्रम में है, तो I × 8 + 2 और प्लस क्या हो जाएगा, आधा, और यहाँ पे कितना EMF दे रखा है, वोल्टेज 15 वोल्ट, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, 15। इन्हें सॉल्व करने पर I1 और I2 के हमें क्या मिल जाएंगे, मान मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं, इन्हें जब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो हल करने पर हमें जो I1 का मान प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा, 0.75 एम्पियर, और I का मान कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। अगर सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम आपको समझ में आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बताया था कि 7 × 1 = 10 = 18, 18 का गुणा I1 में होगा तो ये हो जाएगा 18 I हो जाएगा।
उसके बाद में 18 का गुणा माइनस आई वन में होगा, तो माइनस का 18 आई वन हो जाएगा और बराबर माइनस का 6 आई वन हो जाएगा और बराबर कितना है 0। तो देखिए 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, तो 18 आई वन बराबर हो जाएगा 18 6 24, क्या हो जाएगा आई वन हो जाएगा। 6 से काट दिए तो 6 3 18 और ये 6 4 को क्या हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 3i बराबर हो जाएगा कितना 4i1 हो जाएगा। अब यहाँ से i का मान निकाल लीजिए 4/3 i2 और ये वैल्यू नीचे वाले इक्वेशन में रख देंगे तो सॉल्व करने पर हमें जो है यही मान मिल जाएंगे, i1 बराबर 0.75 एम्पियर और i बराबर 1 एम्पियर। अब इसमें पूछा गया था कि शक्ति 6 इसमें कितना होगा, तो शक्ति 6 p बराबर क्या होता है i² × r। अब ये पूछा किसमें है, ये 6 ओम में पूछा, उसमें i1 धारा जा रही है, तो इसलिए p बराबर क्या हो जाएगा i1² × में हो जाएगा r। i1 का मान 0.75 आप ऊपर दे सकते हैं, तो 0.75 का स्क्वायर गुणे r का मान कितना है 6 ओम, इसका स्क्वायर करके गुणा करेंगे तो 3.375 वोल्ट, ये हमें क्या मिल जाएगा p का मान मिल जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आपका शक्ति 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उसमें कहा जा रहा है कि दिखाए गए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा का मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे इस चित्र आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे ये जो बैटरी है, जाहिर सी बात है बैटरी अगर जुड़ी हुई है तो इससे कुछ ना कुछ हमें क्या मिलेगी विद्युत धारा। तो हम मान लेते हैं कि इससे निकलने वाली जो धारा है वो धारा कितनी है आई है, ठीक। अब आई ये यहाँ से जब ये ए पर पहुँचेगी तो बिंदु ए पर ये चूँकि दो शाखाएँ हैं तो आई को दो भागों में बट जाना है, तो हम मान लेते हैं कि आई का एक भाग आई वन होगा और दूसरा भाग क्या होगा आई टू। अब चूँकि आई वन और आई टू आई के ही भाग हैं इसलिए यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा आई बराबर आई वन प्लस आई टू। तो अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे ही ये धारा बहना प्रारंभ होगी तो इस पर कितनी धारा हम मान लेते हैं कि धारा I1 प्रवाहित हो रही है और नीचे वाले में कितनी प्रवाहित हो रही है I2 प्रवाहित हो रही है। अब ये धारा I1 जैसे ही बिंदु B पर पहुंचेगी, ध्यान दीजिएगा इस बिंदु B पर, तो बिंदु B पर फिर दो भाग हैं, एक भाग ये आपका इस तरफ जाएगा और दूसरा इस तरफ। तो हम मान लेते हैं कि B से D की तरफ अगर धारा I3 गई है तो I1 से I3 धारा तो इधर चली गई, तो बची कितनी, बची आपकी I1 - I3। तो I1 - I3 धारा ये आप इधर देख सकते हैं इस BC पर क्या होगी प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाएगी। अब इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, जब यहाँ से धारा आएगी तो I3 धारा आके D पर, अब D से C की ओर जाएगी I3 भी, और ये I2 धारा भी D पर आएगी तो D से C की ओर जाएगी, तो D से C की ओर दो धाराएं प्रवेश करें, एक तो I2 और दूसरी I3, इसलिए D से C की ओर जाने वाली जो धारा है उसका मान किसके बराबर है I2 प्लस I3 के। तो ध्यान दीजिए A से B में धारा कितनी I1, A से D में धारा कितनी I2, B से C में धारा कितनी I1 - I3 और D से C में कितनी है I2 + I3। तो इस प्रकार से ये आपके दो बंद पासों में आपका धारा का विवरण हो गया। अब यहाँ पे हमें कुल 3 बंद पास मिलेंगे क्योंकि I है, I1 है, I3 है और I2 है, तो यहाँ पे हमें कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए। I1, I2 और I3 3 अननोन है, तो 3 समीकरण चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए। तो पहला समीकरण हमें मिलेगा किससे, ए बी डी ए, ये जो आपका बंद पास है इसको प्रथम बंद पास मान लेंगे। दूसरा बी सी डी बी, ये जो है इसे हम कितना मान लेंगे सेकंड, और एक और मिलेगा हमें ए डी, ध्यान दीजिएगा जो तीसरा हमें मिलेगा ए डी सी, और इससे आएंगे ई और ये यहाँ होते हुए वापस कितना पहुँचेंगे ए पर पहुँच जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा बंद पास था, इस बंद पास में यदि ध्यान दीजिए आप, तो ये जो धारा है
10 वोल्ट का जो ये सेल जुड़ा हुआ, इसके कारण जो धारा है वो आई धारा मान लेते हैं, इसमें प्रवाहित होती है। अब चूंकि आगे बिंदु ए पर दो भागों में बटेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिए, हम इसे दो भागों में आई वन और आई टू मान लेते हैं। तो इसका मतलब आई वन और आई टू का जो कुल एडिशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा। तो इस 10 ओम वाले में कितनी धारा जाएगी, I1 जाएगी, इस 5 ओम वाले में कितनी जाएगी, I2 जाएगी। बिंदु B पर जब ये दो भागों में विभाजित होगी तो इस 5 ओम में देखिए, अगर यहाँ पे I3 धारा नीचे चली गई तो I1 में से I3 कम हो जाएगी, तो ये I1 माइनस I3 धारा किससे जाएगी, 5 ओम वाले से जाएगी। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब इस वाले का नंबर आएगा तो इसमें ये I1 धारा भी जा रही है, इधर से आके इधर जाएगी, और ये I2 धारा भी इधर से जाके इधर आएगी। तो इस वाली में जो धारा होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I2 प्लस कितना हो जाएगा, I3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे आपके ये भुजाएं हैं, प्रत्येक भुजा में कौन कौन सी धारा जाएगी, तो यहाँ पे I1 धारा, यहाँ पे I1 माइनस I3, यहाँ पे I2 प्लस I3, और इस 10 ओम में जाएगी I1 प्लस I2 और इसमें जाएगी I2। तो अब इसे हम मान लेते हैं प्रथम पास, इसे द्वितीय पास, और इसे मान लेते हैं तृतीय पास। अब आइए एक एक पास में बंद पास का नियम लगा के हम लोग I1, I2 और I3 में तीन समीकरण बनाएंगे, और उन्हीं तीनों समीकरणों को सॉल्व करके I1, I2 और I3 का क्या ज्ञात करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, पहला वाला अगर हम ले लें बंद पास, तो यहाँ पे I1 जा रही है 10 ओम में, तो ये हो जाएगा 10 I1, और दूसरा देखिए I3 जा रही है किस में, इसमें 5 ओम वाले में, तो जाएगा 5 I3। और चूंकि यहाँ पे I2 की धारा I1 से अलग है, तो इसलिए 5 ओम में जब I2 धारा रखेंगे तो इसके साथ में माइनस साइन का प्रयोग करेंगे, और चूंकि यहाँ पे कोई भी आपका विद्युत वाहक बल है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, शून्य। ये प्लस और माइनस आपको चिन्ह परिपाटी में मैंने समझाया था, वहाँ पे आप एक बार फिर से वीडियो देख के इसको क्लियर कर लीजिएगा, तो ये बातें आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। इस उपर्युक्त इक्वेशन को जैसे हम 5 से भाग देंगे तो हमें पहला इक्वेशन मिल जाएगा 2I1 माइनस I2 और प्लस का I3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसी प्रकार से जब ये द्वितीय बंद पास लेंगे, सेकंड वाला, तो ध्यान दीजिएगा इस सेकंड बंद पास को लेने पर हमें क्या प्राप्त होगा, ये वाला। तो इसमें देखिए I1 और I3 जा रही है 5 ओम के साथ में, तो 5 ओम वाले के साथ में हम क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए, तो I1 और I3 का इनटू हो जाएगा 5। अब ज़रा ध्यान दीजिए, जो 10 ओम वाला है इसमें जा रही है I2 प्लस I3, और दोनों की डायरेक्शन अलग है, डिफरेंट है, इसलिए इसके साथ माइनस का क्या हो जाएगा, 10 I2 प्लस I3, और ये I3 किस में जा रही है, 5 ओम में, तो डायरेक्शन इसकी बदले, तो माइनस का 5 I3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसे जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, I1 माइनस 2 I2 माइनस का क्या हो जाएगा, 4 I3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब ये बंद पास हम जब तीसरा लेंगे, तो तीसरे बंद पास में देखिए I1 इसमें ध्यान दीजिएगा, I2 जा रही है 5 में, तो I2 5 × I2 हो जाएगा। इस 10 ओम में प्रवेश कर रही है कितना, I2 प्लस इस 10 ओम में I2 प्लस I3, तो हो जाएगा प्लस का 10 I2 प्लस I3 हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन ये इधर से इधर आई है, तो सेम डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा साइन में। तो अब ज़रा ध्यान दीजिए, और इसमें जब प्रवेश करेगी तो I1 प्लस I2 होगा, तो 10 I1 प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा कि 10 ओम का EMF जुड़ा है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें इक्वेशन मिलेगा 2I1 प्लस 5I2 और प्लस का क्या हो जाएगा, 2I3 बराबर क्या हो जाएगा, 2। अब ये समीकरण 1, 2 और 3 को हमें क्या करना है, हल करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम I2 का मान निकाल लेंगे, समीकरण 2 से I1 का मान निकालेंगे। अब उपर्युक्त में जिसमें भी आपकी इच्छा हो उसमें I1 और I2 का मान रख के हम क्या करेंगे, I3 के मान को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो जब इसे रख के सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें I2 और I3 में रिलेशन मिल जाएगा,
आई वन और आई थ्री में रिलेशन मिल जाएगा। अब ये आई वन और आई टू के मान उठा के रखेंगे तो पूरे इक्वेशन में आई थ्री आई थ्री आई थ्री आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं समीकरण तीन से, ये फोर आई थ्री माइनस पंद्रह आई थ्री प्लस टू आई थ्री बराबर दो, इसे सॉल्व करेंगे तो आई थ्री का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस का दो बटे सत्रह। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, आई वन का मान निकालेंगे। तो आई वन बराबर जो हमने फार्मूला रखा था उसमें आई थ्री का मान रख देंगे, तो आई थ्री का मान रखने पर जैसे माइनस का दो बटे सत्रह ये रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा चार बटे सत्रह, और ऐसे ही इस वाले में आई थ्री का मान जैसे रखेंगे तो आई थ्री का मान रखने पर आई टू का मान मिलेगा छः बटे सत्रह। तो इस प्रकार से हमें आई वन आई टू आई थ्री का मान प्राप्त हो गए। अब आई बराबर क्या होता, आई वन प्लस आई टू, तो आई वन और आई टू की वैल्यू जोड़ने पर ये हमें मिल जाएगा दस बटे सत्रह। तो इस प्रकार से हमें जो मान प्राप्त हुए हैं वो आई वन का मान चार बटे सत्रह, आई टू का मान छः बटे सत्रह और आई थ्री का मान माइनस दो बटे सत्रह, जबकि आई का मान दस बटे सत्रह एम्पियर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक भुजा में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इसे हम ज्ञात कर लेते हैं, और किसी प्रकार की समस्या होने पर आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर इस प्रकार से ना समझ में आया हो तो आप बताइएगा, फेस टू फेस बोर्ड पे भी एक बार हम बता देंगे। और जल्द ही मिलेंगे अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।